हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे स्वामी एंड फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें जो है मैं आपको पूरा जो नोवेल है ये पढ़ा रहा हूँ, तो आप आराम से एक एक चीज़ इसमें देखते रहिए। उसका रीज़न ये है कि एग्ज़ाम में है कोई सी भी लाइन आपको उठा के पूछी जा सकती है, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो कैरेक्टर हैं ये कौन से नॉवेल से हैं और इसका राइटर कौन है। इसलिए अपने को जो है एक एक लाइन अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले अगर स्वामी एंड फ्रेंड्स की बात करें तो इसमें जो स्वामी होता है इसके ऊपर ये पूरी स्टोरी है, और इसके कुछ दोस्त होते हैं, तो उन दोस्तों के नाम भी आपको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। और ये लिखी किसने है, तो ये लिखी है आर के नारायण ने। ठीक है, तो इसके जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो फुल टाइटल इसका स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये लिखी गई थी अर्ली 1930 में, लेकिन ये पब्लिश हुई थी 1935 में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप कि स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है बाय आर के नारायण, ये 1935 में पब्लिश हुई थी। ये कहाँ पे लिखी गई थी, ये लिखी गई थी साउथ इंडिया। ठीक है, मद्रास और अनसर्टेन वेदर, मद्रास और मैसूर, पब्लिश हुई थी 1935 में। और इसका जो लिटरेरी पीरियड था वो था मॉडर्निज्म। ठीक है, और इसका जनर जो था वो था नॉवेल। ठीक है, इसके अलावा जो है बिल्डंग श्रोमन और सोशल कल्चर सटायर। ठीक है, इसकी सेटिंग जो हुई थी ये थी द फिक्शन ऑफ टाउन ऑफ मालगुड़ी इन साउथ इंडिया। ठीक है, और इसका जो क्लाइमेक्स है वो है स्वामीज डिसअपियरेंस। और इसके अलावा एंटागोनिस्ट की बात करें तो इंग्लिश कॉलोनियल रूल, ऑप्रेसिव एजुकेशनल सिस्टम, और पॉइंट ऑफ व्यू थे इसके थर्ड पर्सन लिमिटेड ओमनीसाइंट, मोस्टली क्लोजली फोकस्ड ऑन स्वामीज पॉइंट ऑफ व्यू बट ओकेशनली टचिंग ऑन द परसेप्टिव ऑफ द अदर कैरेक्टर्स। ठीक है, तो हालांकि इसमें जो याद रखने जैसी चीज़ें हैं वो है आपको इसका टाइटल, राइटर कब लिखी गई थी, कब पब्लिश हुई थी, और इसका लिटरेरी पीरियड क्या था। ठीक है, और ये चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए तो शुरू करते हैं। अ यंग बॉय नेम्ड स्वामी वेक्स अप ऑन मंडे मॉर्निंग इन द टाउन ऑफ मालगुड़ी इन साउथ इंडिया। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ कि एक यंग बॉय जिसका नाम स्वामी था, जल्दी जल्दी सुबह सुबह उठता है मंडे की मॉर्निंग को इन द टाउन ऑफ मालगुड़ी इन साउथ इंडिया। ही रशेस थ्रू हिज होमवर्क, वो उसके एट हिज डेस्क इन हिज फादर्स रूम एंड देन गोज टू द मिशन स्कूल। उसके बाद में क्या करता है, वो जो है वो दौड़ता है उसकी जो डेस्क होती है वहाँ पे, और उसके बाद में उसके पिताजी के रूम की तरफ जाता है, और उसके बाद में वो जो है मिशन स्कूल जाता है, वेयर ही इज़ बोर्ड थ्रू आउट मोस्ट ऑफ हिज क्लासेस। ठीक है, और जहाँ पे वो जो है ना वो क्या हो जाता है, वो बोर हो जाता है, उसकी जो क्लासेस चलती रहती है उससे स्वामी जो है वो बोर हो जाता है। स्वामी गेट्स अ बैड ग्रेड ऑन हिज मैथमेटिक्स होमवर्क एंड देन इन हिज स्क्रिप्चर क्लासेस, मतलब उसकी जो मैथमेटिक्स का जो होमवर्क होता है या मैथमेटिक्स की जो क्लासेस होती है उसमें जो है वो बैड ग्रेड लेके आता है, मतलब कि अच्छा नहीं होता है। गेट्स इन टू एन आर्ग्यूमेंट विथ हिज टीचर मिस्टर एबेनेजर, उनका एक टीचर होता है जिसका नाम होता है मिस्टर एबेनेजर, उससे उसका जो है आर्ग्यूमेंट हो जाता है। अ क्रिश्चियन फैनेटिक, वो एक क्रिश्चियन फैनेटिक होता है एबेनेजर। स्वामी इज ऑफेंडेड एट हिज टीचर्स डिसमिसल ऑफ द वैल्यू ऑफ हिंदुइज्म एंड अराइव्स एट स्कूल द नेक्स्ट डे कैरिंग अ लेटर फ्रॉम हिज फादर। उसके जो टीचर होते हैं एबेनेजर, वो जो हैं हिंदुवादी वैल्यू जो होती है, मतलब अपनी जो परंपरा होती है उसके विरुद्ध कुछ बात कह देते हैं डिमिसिल, तो उससे क्या हो जाता है कि वो जो स्वामी है वो ऑफेंडेड हो जाता है, मतलब नाराज़ हो जाता है वो। और वो क्या करता है कि वो अगले दिन जो है एक हाथ में एक लेटर लेके मिशन स्कूल के हेडमास्टर को दे देता है, जो कि लेटर उसके पिताजी ने उसको दिया था, इन विच जिसमें हिज फादर कंप्लेन्स, उसके पिताजी कंप्लेन करते हैं कि टू द हेडमास्टर, हेडमास्टर से कि दैट द स्कूल डज नॉट वेलकम नॉन क्रिश्चियन बॉयज़, मतलब कि जो स्कूल है उसको नॉन क्रिश्चियंस बॉयज़ को नहीं लेना चाहिए, ऐसा वो उसमें लिखते हैं। ठीक है, डज़ नॉट वेलकम नॉन क्रिश्चियन बॉयज़, क्योंकि वो जो टीचर होता है वो उसके मतलब बारे में, उसकी हिंदू अपनी जो हिंदू वैल्यूज़ में जो होती है, जो परंपराएं होती है, उसके बारे में कुछ कहता है तो वो नाराज़ हो जाता है, और वो घर पे जाके पिताजी को बोलता है, और पिताजी जो है वो क्या करते हैं एक लेटर में लिखते हैं और वो लेटर उसको थमा देते हैं। तो वो जाता है और स्कूल हेडमास्टर को जाके दे देता है। स्वामी टेल्स हिज फोर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स अबाउट द लेटर, स्वामी जो है वो उसके चार दोस्तों को उस लेटर के बारे में बोलता है। दिस बॉयज़ आर सोमू, जिसमें से एक होता है सोमू, एंड फ्रेंडली क्लास मॉनिटर, जो कि एक क्लास का मॉनिटर होता है,
मनी, एक मनी होता है अ पावरफुल बट लेजी बुली, मतलब थोड़ा सा पावरफुल तो होता है बट थोड़ा सा लेजी होता है वो, ठीक है। शंकर द मोस्ट ब्रिलियंट बॉय इन द क्लास, इसमें एक होता है शंकर जो कि सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट होता है, तो तीन लोगों का, एक तो सोमू, एक मनी, एक शंकर, ठीक है, एंड ए स्मॉल बॉय, और एक और लड़का होता है जिसका नाम होता है सैमुअल, ठीक है। तो ये चारों के नाम आपको लिखना है, निक नेम द पिया, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये किसका निक नेम था द पिया, तो ये था सैमुअल का, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसीलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ ताकि आप इसको केवल एक बार ही पढ़ लेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी, उसमें जो खास खास पॉइंट है वो आप कॉपी में नोट डाउन करते जाना। खास खास पॉइंट कैसे, जैसे कि जो है ये फिक्शन जो है, ये जो नॉवेल है ये कहाँ पर लिखा गया था, तो द टाउन ऑफ मालगुड़ी, इसके अलावा इसका नाम क्या था, स्वामी कौन किस में कैरेक्टर है, तो के जो अपन पढ़ रहे हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स में, ठीक है। इसके बाद में कौन से स्कूल में वो जाता था, तो मिशन स्कूल्स में वो जाता था। इसके अलावा उसके जो टीचर जिसने कुछ कहा था, उसको क्रिटिसाइज़ किया था, वो कौन था, उसका नाम एबेनेजर था, ठीक है। वो किस ट्रेडिशन का था, किस कल्चर का था, तो वो क्रिश्चियन था, है ना। इसके अलावा जो है इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें अपने को ध्यान में रखना है। स्वामी टेल्स, उसके दोस्त कौन कौन से थे स्वामी के, तो स्वामी के डॉल सोमू, मनी, शंकर, और एक और था सैमुअल जिसका निक नेम था द पिया, ठीक है। हु इज़ नॉट रिमार्केबल इन एनी वे एक्सेप्ट दैट ही मेक्स स्वामी लाफ मोर देन एनी वन एल्स। लेटर इन द डे द हेडमास्टर स्कोल्डेड एबेनेजर। अब उसके बाद में क्या होता है कि जो हेडमास्टर होता है वो जो है वो एबेनेजर को स्कॉल्ड करता है, स्कॉल्ड का मतलब डांटना, बट ऑल्सो टेल स्वामी नॉट टू रिपोर्ट इंसिडेंट टू हिज फादर इन द फ्यूचर। और वो उसको ये भी बोलता है कि तुमने तुम्हारे पिताजी को जाके बोला, इसकी बजाय जो है एक बार मुझे आके बोलते हैं। सेइंग दैट द बॉय शुड इंस्टीड टर्न टू द हेडमास्टर विथ एनी प्रॉब्लम, और बोला कि अगर आपको, सभी लड़कों को बोला कि अगर आप में से किसी को भी स्कूल से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो पहले मुझे आके बोलें, न कि अपने फादर को जाके बोलें। तो उन्होंने जो है स्वामी को भी यही कहा कि एक बार मुझे आके बोलना था, तुम्हारे पिताजी के पास क्यों गए तुम, ऐसा उसने उनको बोला। ऑन द सब्सक्वेंट इवनिंग, उसी शाम को स्वामी एंड मनी, स्वामी और मनी जो थे, सीट ऑन द बैंक्स ऑफ द सरायू रिवर, वो सरायू रिवर की नदी के किनारे बैठे हुए थे, डिस्कसिंग अ क्लासमेट नेम्ड राजम, और वो एक क्लासमेट और है जिसका नाम होता है राजम, वो राजम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हु मनी विशेष टू थ्रो इन टू द रिवर। और मनी क्या कह रहा था कि मेरी इच्छा कर रही है कि उस जो राजम है उसको इस नदी में फेंक दूँ, मैं सरयू नदी नदी जो है उस सरयू नदी में फेंक दूँ। इट बिकम्स क्लियर दैट राजम इज़ नॉन इन स्कूल एज अ काइंड ऑफ रिवल ऑफ मनी, ठीक है, ड्यू टू हिज फियरलेसनेस इंटेलिजेंस एंड वेल्थ। अब जो उसमें जो राजम था, वो जो राजम था, इट बिकम्स क्लियर दैट राजम इज़ नोन इन स्कूल एज अ काइंड ऑफ रिवल टू मनी, मतलब कि जो राजम था वो जाना जाता था कई के लिए, उसकी इंटेलिजेंसी के लिए और उसकी वेल्थ के लिए, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था, ठीक है। तो राजम्स फादर इज़ ऑल्सो द पुलिस सुपरिटेंडेंट, मतलब कि राजम के जो फादर थे वो पुलिस सुपरिटेंडेंट थे। स्वामी इंसिस्ट दैट ही सपोर्ट्स मनी मोर देन एनी वन एल्स, स्वामी जो है वो सपोर्ट करता था, ही सपोर्ट्स मनी मोर देन एनी वन एल्स, किसी और के अलावा। एंड वेन दे रिटर्न टू स्कूल स्वामी बिगिन्स एक्टिंग एज अ गो बिटवीन फॉर द टू रिवल्स। देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो राजन जो था यहाँ से, जैसे आपने पढ़ा स्वामी इंसिस्ट दैट, स्वामी ने क्या कहा था उसे कि ही सपोर्ट मनी, मैं बस मनी को सपोर्ट करता हूँ मोर देन एनिमल एल्स, मतलब वो मैं मनी के अलावा किसी और को सपोर्ट नहीं करता हूँ। एंड व्हेन दे रिटर्न टू स्कूल, और जब वो स्कूल से रिटर्न हुए तो स्वामी बिगिन्स एक्टिंग एज अ गो बिटवीन फॉर द टू रिवल्स, और स्वामी जो है वो तैयार हो गया काई के लिए, दोनों प्रतिद्वंदियों के बीच में एक तरह से बीच में आने के लिए। तो फिर क्या हुआ कि इवेंचुअली दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया कि टू मीट फॉर अ फाइट, कि हम लोग जो है लड़ेंगे, लड़ने के लिए उन्होंने क्या किया कि ऑन द बैंक ऑफ द रिवर टू सी हु इज़ मोर पावरफुल। उन्होंने क्या करा कि वो सरयू नदी के जो किनारे हैं वहाँ पे दोनों आए, दोनों प्रतिद्वंदी, और इसलिए आए कि हम वहाँ पर लड़ेंगे और जहाँ पे ये पता चल जाएगा कि कौन जो है ज़्यादा पावरफुल है, मतलब कि वो स्वामी ज़्यादा पावरफुल है या फिर राजम ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि राजम की स्कूल में बहुत ज़्यादा वो एक तरह से तारीफ होती थी क्योंकि वो पैसे वाला भी था, उसके पिताजी जो पुलिस सुपरिटेंडेंट भी थे इसलिए। बट व्हेन द टाइम फॉर द फाइट कम्स, लेकिन जब लड़ने का समय आया तो राजम सजेस्टेड, राजम ने क्या सजेस्ट करा कि दे पुट असाइड देयर डिफरेंसेस एंड बिकम फ्रेंड्स, कि जो हमारे बीच में जो भी तालमेल है उसको हम थोड़ा सा बिठाएं, मतलब कि
पुट असाइड देयर डिफरेंसेस, मतलब कि हम दोनों अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं, तो वो सोच को अलग करें और हम जो है बिकम फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बन जाएं। तो टू विच मनी हैप्पीली एग्रीज, तो मनी जो है वो एग्री हो गया, हैविंग ऑलवेज एडमायर्ड राजम, और हमेशा वो राजम की एडमायर करने लग गया। स्वामी इज ऑल्सो डिलाइटेड एज दिस टर्न्स ऑफ इवेंट एंड ग्लेड टू बी द इन फ्रेंड ऑफ बोथ ऑफ पावरफुल बॉय, और स्वामी जो था वो भी चाहता था कि मैं भी जो है वो इसका फ्रेंड्स बन जाऊँ एक तरह से, ठीक है। तो द रीडर इज इंट्रोड्यूस टू स्वामीज ग्रैंड मदर, अब रीडर जो था, लेखक जो था, उसने स्वामी की जो ग्रैंड मदर है उसको भी इंट्रोड्यूस किया है, होम ही कॉल्स ग्रैनी, जिसका नाम क्या था, ग्रैनी था, ये आप याद रखिएगा। शी लिव्स विथ स्वामीज फैमिली इन ए स्मॉल पैसेज अवे, मतलब कि वो उस स्वामी के साथ में एक छोटी सी स्मॉल फैमिली जो थी उनकी, उसमें वो रहती थी, जिसका नाम ग्रैनी था। स्वामी फील सेफ एंड सिक्योर इन हर कंपनी, जिसकी वजह से स्वामी जो था वो सिक्योर फील करता था क्योंकि वो उसकी दादी के साथ रहता था। स्वामी एक्साइटेडली डिस्क्राइब्स राज टू ग्रैनी एंड ऑल दो शी ट्राइज टू टेल हिम स्टोरीज, जो स्वामी था वो एक्साइटेडली डिस्क्राइब्स, वो डिस्क्राइब करता था राजम को टू ग्रैनी, मतलब कि ग्रैनी के सामने राजम को डिस्क्राइब करता था, वो बताता था कि मेरी जो दोस्ती है वो राजम से हुई है, और वो उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देता था। तो ऑल दो शी ट्राइज टू टेल हिम, और वो उसे टू टेल हिम स्टोरी ऑफ हिज ओन ग्रैंडफादर्स, और वो उसके ग्रैंडफादर की उसको स्टोरियाँ जो है वो सुनाती थी। सिमिलरली इम्प्रेसिव अकम्पलिशमेंट, उसको इम्प्रेसिव करने के लिए, मतलब। एंड स्वामी रिफ्यूजेस टू लिसन, और स्वामी क्या करता था कि बार बार रिफ्यूज़ करता था, बोले मुझे नहीं सुनना है। ऑन अ सैटरडे शॉर्टली, और सैटरडे की बात है, देर आफ्टर स्वामी इग्नोर्स हिज ग्रैंड मदर्स रिक्वेस्ट टू स्पेंड हिम विथ हिज इंस्टेड गोस विथ मनी टू राजम हाउस। तो जो वो स्वामी है वो इग्नोर करता है उसकी ग्रैंड मदर को रिक्वेस्ट को, क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर रिक्वेस्ट करती है कि टू स्पेंड टाइम विथ हिम, है ना, वो उसके सामने समय बिताना चाहती है। तो वो उसको क्या करता है कि इग्नोर करता है, बोले मुझे नहीं रुकना है, एंड इंस्टेड, और इसकी बजाय गोज़ विथ मनी टू राजम्स हाउस, और राजम के मनी के साथ में राजम के घर जाने के लिए उससे जिद करता है। वेयर दे आर इम्प्रेस्ड बाय हिज लग्जरियस होम, और जहाँ पे वो उसके लग्जरियस होम से इम्प्रेस हो जाते हैं। न्यूमरस टॉयज, उस राजम के पास बहुत सारे खिलौने थे, एंड द डिलीशियस फूड हिज कुक सर्व्स, और एक वो बढ़िया खाना जो उसके कुक ने उनको सर्व किया था। बैक एट स्कूल, वापस से स्कूल में आते हैं। स्वामी रन्स इंटू हिज थ्री फ्रेंड्स, स्वामी जो है वो उसके तीन दोस्तों के पास जाता है, सोमू, शंकर और पिया, जिसका नाम था सैम्युअल। हाउएवर दे आर अनफ्रेंडली, अब वो उससे अनफ्रेंडली बिहेव करते हैं, टू हीम एंड मेक अ जॉक अबाउट अ टेल, और उसे वो क्या बोलते हैं, पूंछ की तरह, मतलब किसकी पूंछ, वो क्या एक और क्या नाम था उसका, राजम, राजम की पूंछ के बुलाते हैं, क्योंकि उस राजम के पीछे पीछे घूम रहे थे वो थोड़े दिन से। आफ्टर स्कूल, और स्कूल के बाद, स्वामी मेक सोमू, स्वामी मेक सोमू टेल हीम अबाउट देयर जॉक, स्वामी ने सोमू को उनके जॉक के बारे में बताया। विच इज टर्न्स आउट रिफर्स टू देयर कॉलिंग हिम राजम स्टेल, कि वो सारे जो दोस्त हैं, है ना, वो उसे राजम की टेल कह के पुकार रहे हैं। बिकॉज दे बिलीव स्वामी नॉट थिंक्स हिमसेल्फ टू गुड फॉर हिज ओल्ड फ्रेंड्स, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जो स्वामी है वो उनके जो ओल्ड फ्रेंड्स हैं उन पर अब ज़्यादा ध्यान नहीं देने लग गया है, तो ऐसा उन दोस्तों को लगता था। तो वो उसे क्या बोलते थे कि तो भाई उस राजम की जो है वो पूँछ है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिकॉज दे बिलीव स्वामी नाउ थिंक्स, ये तो हो गया, द रिजेक्शन बाय हिज फ्रेंड इज द फर्स्ट शॉक, और उसके जो दोस्त थे उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, मतलब कि अब हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। द फर्स्ट शॉक ऑफ स्वामीज लाइफ, स्वामी की जो लाइफ थी उसमें उसको फर्स्ट शॉक लगा, एंड ही रिफ्लेक्ट्स माइजरेबली, और उसके बाद उसे थोड़ा सा माइजरेबली फील हुआ ऑन हाउ क्विकली पीपल कैन चेंज, और उसे लगा कि यार ये लोग ऐसे चेंज कैसे हो जाते हैं। एट होम ही मेक्स अ पेपर बोट एंड पुट्स एन आंट ऑन इट, घर पे क्या करता है वो एक कागज़ की नाव बनाता है और उसमें एक आंट को, मतलब एक चींटी को उसमें रख देता है। देन वॉचेज एज द बोट इज़ कंज्यूम्ड इन अ फ्लीट ऑफ वाटर, और वहाँ उसे देखता रहता है कि वो उसे वो जो नाव है वो उसमें डूबती है कि नहीं डूबती है, इस तरीके से, मतलब वो जनरली विचार में बैठा रहता है तो कुछ भी करता रहता है। एज द डे कंटिन्यू, धीरे धीरे दिन आगे बढ़ता है, स्वामी फ्रेंड्स कंटिन्यू टू इग्नोर हिम, स्वामी के जो दोस्त होते हैं वो उसे इग्नोर करना शुरू करते हैं। स्कूल बिकम्स एन इंक्रीजिंगली पेनफुल एक्सपीरियंस, और उसका स्कूल में जब वो जाता है तो वहाँ पर स्कूल में उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो एक तरह से पेनफुल ही होता है। ऑन अदर सैटरडे, अगले शनिवार के दिन, स्वामी एक्साइटली प्रिपेयर्स फ्रॉम राजन टू विजिट हिज हाउस, स्वामी जो है वो एक्साइटेडली प्रिफर्स फॉर राजम टू विजिट हिज हाउस, तो वो उसके घर जाने के लिए वापस से
उसको प्रेफर करता है, ही एनेक्शियली ऑर्डर हिज फादर, और वो उसके पिताजी को एनेक्शियसली मतलब एंग्रीली उत्सुकता से ऑर्डर देता है, मदर ग्रैंडफादर एंड कुक थ्रू वेरियस प्रिपरेशन, द विजिट गोज वेल, मतलब वहाँ पे जो विजिट होता है वो अच्छा होता है, एंड राजम इवन चार्म्स ग्रेनी विथ हिज स्टोरी, और जो राजम होता है वो ग्रेनी की जिस स्टोरी को बड़े चार्म से सुनता है। द नेक्स्ट टाइम, और अगली बार स्वामी अटेंड स्कूल, जब स्वामी स्कूल जाता है तो ही इज़ अगेन फेस्ड बाय हिज ओल्ड फ्रेंड्स मॉकिंग हिम, और वापस से उसके दोस्त उसको इसी तरीके से चिढ़ाते हैं, एंड ही स्लैप्स बोथ द पिया एंड शंकर, और वो जो है वो पिया और शंकर दोनों को स्लैप कर देता है, जॉइंड बाय सोमू एंड मनी, सोमू एंड मनी के साथ में। द ग्रुप गोज आउटसाइड, और वो ग्रुप थोड़ा सा अलग जाता है, एंड स्वामी एक्सप्लेन टू मनी दैट द अदर थ्री कॉल हिम राजम स्टेल, और वो जो स्वामी एक्सप्लेन करता है कि टू मनी, मनी को कि दैट द अदर थ्री कॉल, कि वो जो तीन और हैं वो भी मुझे क्या बोल रहे हैं, राजम स्टेल। मनी डिफेंड्स राजम एंड फाइट विथ सोमू अंटिल द अदर बॉयज गेट द हेडमास्टर टू ब्रेक अप द फाइट। अब क्या होता है कि जब वो दूसरे बच्चे जाते हैं हेडमास्टर के पास उनकी फाइट रुकवाने के लिए, तब तक राजम और मनी दोनों जो हैं वो, मनी जो है वो डिफेंड करता है किसको, राजू को, एंड फाइंड विथ सोमू, और सोमू से लड़ता रहता है। तो मतलब जनरली होता क्या है कि इन दोस्तों में यही लड़ाई झगड़े वगैरह चलते रहते हैं, तो इसी टाइप की ये कुछ स्टोरी है स्वामी और उसके दोस्त के बारे में, तो लास्ट तक कुछ ऐसा ही चलेगा इसमें। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। 3 वीक्स लेटर स्वामी एंड मनी गो टू राजम्स हाउस, 3 वीक के बाद में स्वामी और मनी जो है वो राजम के घर जाते हैं। कौन जाते हैं, स्वामी और मनी। दिस टाइम बिकॉज स्वामी टोल्ड देम ही हैड अ सरप्राइज फॉर देम, क्योंकि स्वामी जो होता है ना वो उनको बोलता है राजम को, स्वामी टोल्ड देम कि ही हैड अ सरप्राइज फॉर देम, कि उसके उसके लिए एक सरप्राइज है, किसके लिए, स्वामी और मनी के लिए। व्हेन दे अराइव, जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो दो दे जोकिंगली प्रिटेंड टू बी अ ब्लाइंड पपी एंड अ ब्लाइंड किटन टू गेट राजम टू लेट देम इन। उसके बाद में वो उनको एक तरह से एक ब्लाइंड पपी एंड ब्लाइंड किटन के थ्रू वो उनको अंदर बुलाते हैं, ओनली टू डिस्कवर व्हेन दे ओपन देयर आइज, और जब वो उसकी आंखें खोलते हैं, मतलब उनको आंखें बंद करके और जो है वो उनको अंदर बुलाते हैं, और अंदर जाके उनकी आंखें खुलवाते हैं, तो जैसे आंखें खोलते हैं तो दैट सोमू शंकर एंड द पी आर ऑल्सो प्रेजेंट, तो वहाँ पर वो देखते हैं कि यार सोमू भी वहीं हैं, शंकर भी वहीं हैं और पिया भी है। तो राजम सर्व्स द ग्रुप फूड, फिर राजम जो होता है वो उनके लिए सभी के लिए खाना लाता है, एंड देन लेक्चर्स देम ऑल ऑन द वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप, फिर उनको फ्रेंडशिप के बारे में बताता है कि फ्रेंडशिप क्या होती है, ऑफरिंग देम ईच अ गिफ्ट, और फिर सभी को एक गिफ्ट देता है इफ़ दे प्रॉमिस नॉट टू बी एनिमीज एनी मोर, और फिर बोलता है कि आज के बाद लड़ाई मत करना और एक दूसरे के दुश्मन मत बनना। वन बाय वन, एक के बाद, ईच बॉय एक्सेप्ट हिज गिफ्ट, और फिर हर लड़का जो है गिफ्ट को एक्सेप्ट करता है। एट स्वामीज हाउस, स्वामी के घर पर हिज मदर हैज़ बीन इन बेड फॉर 2 डेज, वो देखता है कि स्वामी के जो घर पर उसकी जो मदर है वो 2 दिन से बेड पे है, एंड सीम कन्फ्यूजिंगली चेंज टू हिम, और फिर वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता है। ग्रेनी टेल्स हिम, ग्रेनी उसको बोलती है कि दैट ही इज़ गोइंग टू हैव अ बेबी ब्रदर, कि उसके जो है स्वामी को बोलती है कि तुम्हारे जो है भाई आने वाला है, बट ही इज़ डिफरेंट इवन व्हेन द बेबी इज़ बॉर्न, लेकिन वो थोड़ा सा एक डिफरेंट अलग टाइप का होता है व्हेन द बेबी इज़ बॉर्न। टेलिंग द पिया दैट द बेबी इज़ हार्डली एनीथिंग, मतलब कि वो उसको पिया को बोलता है, उसके दोस्त को, तो बेबीज़ हार्डली एनी थिंग, द पिया एश्योर हिम दैट द बेबी विल ग्रो अप क्विकली, मतलब वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बेबी जो है वो क्विकली ग्रो अप होगा। इन अप्रैल, अप्रैल के टाइम पे स्वामी एंड हिज क्लासमेट्स हैव ओनली 2 वीक्स बिफोर देयर स्कूल एग्जाम। अब क्या होता है, स्वामी के और उसके जो क्लासमेट्स होते हैं उनके पास केवल 2 वीक्स होते हैं एग्जाम से पहले, तो स्वामीज़ फादर फोर्सेस हिम टू स्टडी कॉन्स्टेंटली, लेकिन स्वामी के जो फादर होते हैं वो स्वामी को बोलते हैं कि भाई तू स्टडी सही स्टार्ट कर, एंड ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स आर ऑल्सो अनहैप्पी, और उसके जो दोस्त होते हैं वो भी अनहैप्पी होते हैं अंडर द स्ट्रेस ऑफ स्टडिंग, किस वजह से, क्योंकि उनके पास उनके ऊपर स्ट्रेस रहता है स्टडी का। स्वामी ओनली फील्स दैट हिज एफर्ट्स आर वर्थ वाइल, लेकिन स्वामी को लगता है कि यार ये जो मैं इफ़र्ट्स लगा रहा हूँ इसमें ये वर्थ वाइल है, व्हेन हिज फादर कम्प्लीमेंट्स हिज वर्क, जब उसके पिताजी उसको काम के लिए बोलते हैं। शॉर्टली बिफोर द एग्जाम स्वामी मेक्स अ लिस्ट ऑफ सप्लीमेंट्स सप्लाइज दैट ही नीड्स एंड डिसअपॉइंटेड दैट हिज वॉन्ट वर सो फ्यू। अब क्या करता है स्वामी जो है वो एक लिस्ट बनाता है कुछ सप्लीज सप्लाइज की,
कि मुझे जो है ये आइटम चाहिए। ही मेक्स अ मोर कॉम्प्लिकेटेड लिस्ट एंड ब्रिंग इट टू हिज फादर। वो लिस्ट उसके पापा को देता है और बोलता है कि मुझे ये वाला आइटम जो है ये चाहिए। हिज फादर स्कॉल्डेड हिम, उसके पिताजी उसको डांट देते हैं एंड रिफ्यूजेस टू गिव हिम मनी, और फिर बोलते हैं कि भैया मैं तेरे को पैसे देने वाला नहीं हूँ ये इन आइटम के लिए, बिकॉज इंस्टेड टेलिंग हिम टू टेक सप्लाइज फॉर देयर डेस्क एट होम। और अगर तुझे कुछ आइटम चाहिए तो मेरी डेस्क पे जाओ और वहाँ पड़े हैं वहाँ से ले लो। एट लास्ट, लास्ट में क्या होता है, स्वामीज फाइनल एग्जाम इज़ ओवर। स्वामी के जो फाइनल एग्जाम होते हैं वो ओवर हो जाते हैं। ही वरीज दैट, वो चिंतित होता है कि ही फिनिश्ड फास्टर देन हिज फ्रेंड एंड डिड नॉट राइट इनफ फॉर वन क्वेश्चन। वो बोलता है कि वो थोड़ा सा चिंतित हो जाता है क्योंकि ही फिनिश फास्टर देन हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्त से भी पहले उसका पेपर हो जाता है एंड डिड नॉट राइट इनफ फॉर वन क्वेश्चन, और वो एक भी क्वेश्चन नहीं लिख पाता है। बट ही इज़ वेरी क्विकली टर्न्स टू एक्साइटमेंट, लेकिन उसकी जो चिंता होती है वो टर्न हो जाती है एक्साइटमेंट में, एज द अदर स्टूडेंट फिनिश एंड फॉर्म अ जॉयफुल क्राउड टू सेलिब्रेट द एंड ऑफ स्कूल। जब जो अदर स्टूडेंट होते हैं वो फिनिश कर देते हैं पेपर को एंड फॉर्म अ जॉयफुल क्राउड टू सेलिब्रेट द एंड ऑफ द स्कूल, उसके बाद में जो स्कूल ख़त्म होता है तो उसको वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। द ग्रुप ऑफ बॉयज डिस्ट्रॉयज पेपर एंड इन इंक बॉटल, उसके बाद में जो ग्रुप ऑफ बॉयज़ होता है वो डिस्ट्रॉय कर देता है पेपर्स को और इंक बॉटल्स को, क्रिएटिंग हैप्पी चॉस अंटिल स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर ब्रेकअप देयर सेलिब्रेशन। जब तक कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो उनके सेलिब्रेशन को ब्रेकअप नहीं कर देता है, तब तक वो वहाँ पर जो है तोड़ फोड़ करते रहते हैं और पेपर को डिस्ट्रॉय वगैरह करते रहते हैं। विदाउट स्कूल इन सेशन स्वामी रियलाइज दैट ही इज क्लोजर फ्रेंड विथ मनी एंड राजन देन विथ सोमू शंकर एंड द पिया। तब जाके उसे एक अनुभव होता है कि ही इज क्लोजर फ्रेंड, कि वो एक क्लोज दोस्त है किसका, विथ मनी एंड राजम, मनी और राजम का, देन सोमू शंकर एंड पिया, सोमू शंकर और पिया की बजाय। ही ऑलवेज विशेज टू गेट अ हूप टू प्ले विथ एंड गिव्स सम मनी टू अ चॉक मैन हु प्रोमिसेस टू गेट हिम वन, only to realize that the coachman है वो, tricked him। Rajam forms a plan in which money will kidnap the coachman's son as revenge। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो राजन होता है वो एक प्लान बनाते हैं वो लोग कि मनी जो है वो किडनेप करेगा जो कोचमैन है उसके बेटे को एज रिवेंज, बदला लेने के लिए। उसका रीज़न है क्योंकि जो कोचमैन होता है वो जो है वो उनको इस तरीके से धमकी देता है कि वो उनको उनकी शिकायत कर देगा इस प्रकार से, तो बट द प्लान गोज एवरी, लेकिन प्लान जो होता है वो उल्टा हो जाता है। व्हेन द बॉयज गेट अवे एंड हिज नेबर अटैक मनी एंड स्वामी टू चेस देम अवे, अब वो उसको पकड़ने तो जाते हैं लेकिन उल्टा काम पड़ जाता है वहाँ पे, क्योंकि किसी को पता लग जाता है प्लान के बारे में और फिर उनको वहाँ से भागना पड़ता है। सिटिंग ऑन अ रोड, फिर वो एक रोड पे बैठे होते हैं आउटसाइड टाउन एंड फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, और वहाँ उनको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील होता है। द थ्री फ्रेंड्स अकोस्ट अ यंग कार्ट बॉय नेम्ड करूपन, अब जो वो थ्री बॉय होते हैं, थ्री फ्रेंड्स अकोस्ट अ यंग कार्ट बॉय, और उनका जो यंग कार्ट बॉय जिसका नाम क्या होता है करूपन, फ्राइटेंड हिम विथ क्लेम्स दैट दे आर द गवर्नमेंट पुलिस बिफोर इवेंचुअली लेटिंग हिम गो, और वो उसको बताता है कि मैं जो हूँ मैं विथ क्लेम्स दैट दे आर द गवर्नमेंट पुलिस बिफोर इवेंचुअली लेटिंग हिम गो, कि वो जो है पुलिस को बुला लेगा इसके पहले कि तुम यहाँ से भाग जाओ, ऐसा कुछ वो उसको बोलता है। तो सुन देर आफ्टर स्वामीज फादर बिगिंस मेकिंग हिम स्टडी अगेन, फिर स्वामी के पिताजी वापस से उसको बोलते हैं कि भैया तू वापस से पढ़ाई चालू कर इवन दो स्कूल इज़ आउट, फीलिंग सॉरी फॉर स्वामी आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ वर्क। उसके बाद में जो वो क्या नाम उसका स्वामी जो होता है पूरा दिन जो है वो फीलिंग सॉरी फील करता है। हाउएवर हिज फादर आल्सो ब्रिंग्स हिम आल्सो टू विजिट हिज क्लब इन द इवनिंग, इसके बाद में उसके जो पिताजी है वो ब्रिंग्स हिम अलॉन्ग टू विजिट हिज क्लब इन द इवनिंग, शाम को उसको क्लब की तरफ ले जाते हैं और स्वामी इन्जॉयस द विजिट, स्वामी वहाँ पे बहुत इन्जॉय करता है। ही रियलाइज, उसे लगता है द कोचमैन सन वर्क्स एट द क्लब, और वहाँ पे क्या होता है कि वो जो कोचमैन होता है उसका बेटा वहाँ पर क्लब में भी काम करता है, तो ही बिकम इंक्रीजिंगली फेयरफुल दैट द बॉय विल अटैक हिम, और वहाँ पे भी वो जो बच्चा होता है वो उसको जो है फेयरफुल वो उसको डराता है और द बॉय विल अटैक हिम, और उसको ऐसा लगता है कि ये जो लड़का है ये मेरे ऊपर अटैक कर देगा, नॉट इवन ट्रस्टिंग हिज फादर टू प्रोटेक्ट हिम एंड कैन नॉट रिलैक्स अनटिल दे लीव, और जब तक वो वहाँ से जाते नहीं हैं तब तक वो जो है रिलैक्स फील नहीं करता है, क्योंकि उसने उसको जो है किडनैप करने का प्लान बनाया था तो उस कोचमैन के बच्चे को पता चल गया था, तो वो जहाँ भी जाता है वो वहाँ दिख जाता है उसको और वो उसको डराने लगता है। इन अगस्त में क्या होता है कि स्वामी और मनी जो होते हैं फाइंड देमसेल्व्स इन द मिडस्ट ऑफ
प्रोटेस्ट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। अब जनरली क्या होता है कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस जो होता है अपने उस समय जो है जो वो क्या बोलते हैं ना प्रोटेस्ट वो आंदोलन आंदोलन चल रहा था, भारत को आज़ाद कराने का आंदोलन छिड़ा हुआ था। तो मूव्ड बाय द स्पीकर्स स्वामी एंड मनी स्वियर टू सपोर्ट इंडिया अगेंस्ट इंग्लैंड एंड बायकॉट इंग्लिश गुड्स। अब स्वामी और उसके जो दोस्त होते हैं मनी, वो कसम खाते हैं कि भैया वो जो है अब इंग्लैंड का जो गुड्स है वो अब उसको जो है बायकॉट करेंगे, मतलब यूज़ नहीं करेंगे। विद स्वामी इवनिंग बर्निंग हिज केप, स्वामी जो होता है वो उसकी केप जला देता है उसी चक्कर में। वेन समवन सजेस्टेड दैट इट्स अ फॉरेन मेड, जब उसको कोई बोलता है ना कि ये तो ये जो तूने टोपी पहन रखी है ना ये तो फॉरेन की बनी हुई है, तो वो उसको भी जला देता है। द नेक्स्ट डे अगले दिन स्वामी इज़ नर्वस अबाउट नॉट वेयरिंग अ केप टू स्कूल, लेकिन अगले दिन स्वामी जो होता है वो नर्वस होता है क्योंकि वो अगले दिन जो है केप पहन के नहीं जाता है स्कूल में। बट फाइंड्स अ क्राउड ऑफ प्रोटेस्टर ब्लॉकिंग एंट्रेंस टू हिस स्कूल, लेकिन वो देखता है कि जब वो स्कूल जाता है तो वहाँ पे एक भीड़ होती है और वो भीड़ जो है वो प्रोटेस्ट करती है किसको बिलोंगिंग, वो मतलब उनके आंदोलन के चक्कर में वो स्कूल को घेर लेते हैं वहाँ पे। तो द ग्राउंड सेज दैट स्कूल इज़ कैंसल्ड ड्यू टू द इम्प्रिजनमेंट ऑफ एन इंडियन पॉलिटिकल वर्कर, और स्कूल जो होता है वो कुछ समय के लिए जो है वो कैंसल हो जाता है उस दिन के लिए, ठीक है। एंड स्वामी गेट्स, मतलब वो लोग बंद करवा देते हैं उसको। स्वामी गेट्स कॉट अप इन अ ब्रेकिंग विंडो एंड डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्ली एट बोथ द मिशन स्कूल एंड द नियर बी बोर्ड स्कूल। अब स्वामी क्या करता है कि उसी चक्कर में जैसे वो लोग तो खड़े होते हैं तो स्वामी जो है पत्थर फेंकता है ब्रेकिंग विंडोज़, और विंडोज़ जो होती है खिड़कियाँ जो होती है उनको तोड़ देता है एंड डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी, और वहाँ की जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है एट बोथ द मिशन स्कूल एंड द नियर बी बोर्ड स्कूल। तो वो जो स्कूल होता है मिशन स्कूल उसका भी, और उसके पास में एक स्कूल होता है बोर्ड स्कूल उसका भी। इवेंचुअली द प्रोटेस्ट मूव टू स्क्वायर इन टाउन, उसके बाद में वो जो प्रोटेस्ट होता है वो टाउन की तरफ मूव करता है। तो वेयर स्वामी सीज राजम्स फादर ऑर्डर हिज पुलिसमैन टू वाइंडली डिस्पर्स द क्राउड, जहाँ पे स्वामी देखता है कि राजम के पिताजी जो है वो उसके पुलिसमैन को ऑर्डर दे रहे हैं कि टू वॉयलेंट डिस्पर्स द क्राउड, कि इस क्राउड को जो है वो अलग अलग करें। अ साइट दैट शॉक्स एंड फ्राइटन्ड स्वामी, और जहाँ पे उस वो डर जाता है और भाग जाता है। लेटर हिज फादर एक्सप्रेसेस सिंपैथी फॉर द प्रोटेस्ट बट स्कोल्ड स्वामी फॉर लूजिंग हिज केप, लेकिन बाद में क्या होता है कि उसके जो पिताजी होते हैं स्वामी के वो सिंपैथी तो जताते हैं प्रोटेस्टर के प्रति कि भाई अच्छा है आंदोलन करना चाहिए, बट स्कॉल्ड स्वामी, लेकिन स्वामी को स्कॉल्ड करते हैं फॉर लूजिंग हिज केप, कि उसकी केप को जलाने के लिए, सेइंग इट वाज मेड इन इंडिया इन ऑल अलोंग, और उसको बोलते हैं कि भैया वो चाइना की, मतलब वो क्या बोलते हैं फॉरेन की बनी हुई नहीं है, वो इंडिया की बनी हुई है। द नेक्स्ट डे स्कूल, अगले दिन क्या होता है कि द हेडमास्टर पनिशेस ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन द प्रोटेस्ट एंड स्वामी एंग्रीली रन्स अवे इन द मिडल ऑफ द क्लास। अगले दिन क्या होता है कि जो हेडमास्टर होते हैं वो पनिश करते हैं सारे स्टूडेंट्स को हु पार्टिसिपेट इन द प्रोटेस्ट, जो पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटेस्ट में, एंड स्वामी एंग्रीली रन्स अवे इन द मिडल ऑफ द क्लास, और जो स्वामी होता है वो एंग्रीली वहाँ से भाग जाता है। 6 weeks later, 6 सप्ताह बाद क्या होता है, राजम फाइंड स्वामी टू टेल हिम, राजन जो है वो ढूंढ लेता है स्वामी को और उसको बोलता है कि ही फॉरगिव्स हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, और जो तुमने वो करी थी ना वहाँ पे तोड़फोड़ करी थी मैं उसको अब भुला चुका हूँ और मैंने तुमको माफ़ कर दिया है, एंड टू इन्वाइट हिम, और मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ टू फॉर्म अ क्रिकेट टीम, कि तुम जो है क्रिकेट टीम बनाओ। स्वामी हैज़ ट्रांसफर्ड टू द बोर्ड स्कूल, लेकिन जो स्वामी है वो बोर्ड स्कूल में चला जाता है, वाइल हिज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बैक एट द मिशन स्कूल, लेकिन उसके जो दोस्त होते हैं वो बैक स्कूल में रह जाते हैं। हैज़ ब्रोकन अप, सोमू वॉज हेल्ड बैक, शंकर मूव्ड अवे एंड द पिया स्टार्टेड स्कूल लेट। अब वहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे सब दोस्त बिखड़ जाते हैं, स्वामी एग्रीज टू ज्वाइन द क्रिकेट टीम, और स्वामी जो होता है वो एग्री हो जाता है क्रिकेट टीम ज्वाइन करने के लिए। एंड ही टेल राजम, और वो राजम को कहता है कि कॉल देमसेल्स द एमसीसी विथ मनी, और राजन जो है वो उन सबको बोलता है द एमसीसी विथ मनी, वो उसका नाम रखते हैं एमसीसी। दे राइट अ लेटर टू अ स्पोर्टिंग गुड कंपनी, अब वो लोग क्या करते हैं, एक लेटर लिखते हैं किसको, इस स्पोर्टिंग जो गुड कंपनी होती है उसको ऑर्डर देते हैं कि भैया हमको बैट चाहिए, ये वो सामान चाहिए। तो ऑल्दो द कंपनी राइट्स बैक, और कंपनी वापस उनको लेटर लिखती है आस्किंग फॉर अ डिपॉजिट, और वो बोलती है कि भैया आपको जो है पहले डिपॉजिट देना पड़ेगा। द बॉय कंटिन्यू बिलीविंग एंड देयर सप्लाइज विल अराइव एंड बिगेन पार्टिसिंग विथ इम्प्रोविशमेंट इक्विपमेंट इन द मेन टाइम। अब क्या करता है कि कंपनी जो होती है वो तो इनको मना कर देती है, अब द लड़के क्या करते हैं, कंटिन्यू बिलीविंग देयर सप्लाइज विल अराइव एंड बिगिन, और वो बिलीव करते हैं कि हमारा जो सप्लाइज है ये जल्दी ही आ जाएगी, मतलब जो इक्विपमेंट है ये जल्दी आ जाएंगे। स्वामी क्विकली रिवील्स हिमसेल्फ टू बी अ गुड बॉलर एंड अर्न्स द निकनेम टेट,
और स्वामी जो होता है वो क्या करता है, क्विकली रिवील्स हिमसेल्फ, वो खुद को बोलता है कि मैं टू बी अ बॉलर, मैं एक अच्छा बॉलर हूँ एंड अर्न द निकनेम टेट, और मुझे जो है लोग टेट के नाम से पुकारते हैं, जो कि एक फेमस बॉलर हुआ करता था। स्वामी डिस्कवर दैट द वर्क लोड एट द बोर्ड स्कूल इज हैवियर देन ही इज़ यूज टू द ऑल्सो दैट इट रिक्वायर्स हिम टू पार्टिसिपेट इन डेली आफ्टर स्कूल ड्रिल प्रैक्टिस। अब क्या होता है, स्वामी को पता लगता है कि द जो स्कूल है, स्कूल का जो बोर्ड स्कूल का जो वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा इज़ हैवियर देन ही इज़ यूज टू, जो उसे मतलब जो ही इज़ यूज टू का मतलब क्या था कि वो उसके आदत से, मतलब जो उसको जनरली हैबिट है उससे ज़्यादा वहाँ का वर्कलोड है, दैट इट इज़ इट रिक्वायर्स, जितना रिक्वायर्स होता है उससे ज़्यादा है हिम टू पार्टिसिपेट इन डेली आफ्टर स्कूल ड्रिल प्रैक्टिस। उसके लिए उसे क्या करना पड़ता था कि ड्रिल प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता था। कॉन्सिक्वेंसली स्वामी लिव्स स्कूल टू लेट, जिसके कारण से क्या होता था कि स्वामी स्कूल से लेट जाता था टू अटेंड क्रिकेट प्रैक्टिस ऑन टाइम, और जो है क्रिकेट प्रैक्टिस को टाइम पे अटेंड करता था हालांकि वो लेट जाता था, विच मेक्स राजम एंग्री, जिसकी वजह से राजम को गुस्सा आता था क्योंकि वो उधर ड्रिल प्रैक्टिस में लग जाता था तो इधर इसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी। तो वन इवनिंग, एक इवनिंग को क्या हुआ कि स्वामी इज़ कंसर्न अबाउट हिज ग्रैंड मदर, स्वामी जो है वो उसकी ग्रैंड मदर से कंसर्न करता है कि ही इग्नोर अर्लियर इन द डे व्हेन शी सेड शी डिडंट फील वेल, और वो उससे कहती है कि उसे जो है अच्छा फील नहीं हो रहा है, ही इज़ रिलीव्ड टू फाइंड दैट ही इज़ वेल, और वो उसे रिलीव्ड करवाने की कोशिश करता है कि वो ठीक है ऐसा फील करे, बट शी डिसअपॉइंट्स, लेकिन वो डिसअपॉइंट हो जाती है व्हेन शी डज़ नॉट नो व्हाट क्रिकेट इज़, लेकिन जब उसको पता ही नहीं रहता है कि ये क्रिकेट क्या है। तो हाउएवर स्वामी डिसाइडेड टू एजुकेट हर रेदर देन स्कॉलिंग हर, स्वामी चाहता है कि एक काम करूँ कि मैं इसको बताऊँ कि ये क्रिकेट होता क्या है, रेदर देन स्कॉलिंग हर, इसको डांटने की बजाय मैं थोड़ा सा बता दूँ। व्हेन स्वामी कंटिन्यूज टू बी लेट टू प्रैक्टिस, और जब स्वामी कंटिन्यू होता है मतलब वापस से प्रैक्टिस के लिए लेट होता रहता है, तो राजम डिसाइड करता है टू कन्फर्ट द बोर्ड स्कूल हेडमास्टर, कि वो बोर्ड स्कूल हेडमास्टर के सामने कन्फ्रंट करेगा एंड कन्विंस हिम टू लेट स्वामी लीव स्कूल अर्ली, और वो उसको बोलेगा कि स्वामी को आप थोड़ा सा स्कूल से जल्दी छोड़ दिया करें। ठीक है, तो आगे लिखा है कि ऑल्दो स्वामी प्रोटेस्ट, उसके बाद स्वामी प्रोटेस्ट करता है, ही इंसिस्ट एंड लीड स्वामी टू द हेडमास्टर्स ऑफिस, और उसके बाद में वो हेडमास्टर के ऑफिस जाते हैं, हेडमास्टर इग्नोर्स देयर रिक्वेस्ट एंड राजम इवेंचुअली गिव अप हिज एफर्ट, राजम जाता है हेडमास्टर के पास में, उसको बोलता है कि आप थोड़ा सा स्वामी को जल्दी छोड़ दिया करें ताकि जो है वो स्कूल के लिए लेट नहीं हो, वो उसके लिए प्रैक्टिस के लिए, लेकिन वो जो होता है हेडमास्टर वो ध्यान ही नहीं देता उसकी तरफ, उसको इग्नोर कर देता है। ठीक है, जिससे राजम जो है वो अब एफर्ट्स लगाने को बेमतलब समझता है कि कोई मतलब नहीं है। द एम सी सी शेड्यूल, वो तो जो उनकी कंपनी का नाम था एम सी सी, उसका जो शेड्यूल था क्रिकेट मैच अगेंस्ट अनादर लोकल टीम, तो उनका दूसरी टीम के साथ में जो है लोकल टीम के साथ में मैच बैठता है, बट स्वामी इज़ स्टिल नॉट एबल टू गेट इनफ प्रैक्टिस टाइम, लेकिन स्वामी को ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है विथ ओनली अ वीक लेफ्ट। अब क्या होता है कि एक वीक बचता है बिफोर द मैच, मैच के पहले, तो ही डिसाइड्स टू ट्राई एंड गेट्स अ पास फ्रॉम अ फिजिशियन नेम डॉक्टर केशवन। अब इसमें एक डॉक्टर रहता है जिसका नाम रहता है केशवन, तो उन केशवन से वो मिलता है, वो कहता है कि भैया आप जो है मुझे एक पास दे दो जिससे मैं स्कूल में बता दूं और मुझे जो है वहाँ से छुट्टी मिल जाए। तो डॉक्टर केशवन प्रोक्लेम्स, और वो जो है केशवन मान जाते हैं और स्वामी की हेल्थ, बट एग्रीज टू टेल हिज हेडमास्टर दैट स्वामी शुड गेट टू मिस ड्रिल प्रैक्टिस, और वो उसको बोलते हैं कि भाई स्वामी जो है अब ड्रिल की प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। डिलाइटली स्वामी स्किप्स ड्रिल प्रैक्टिस, अब स्वामी क्या करता है ड्रिल प्रैक्टिस को स्किप करता है एवरी डे टू अटेंड क्रिकेट, और क्रिकेट को अटेंड करता है ओनली टू फाइंड एट द एंड ऑफ द वीक दैट द डॉक्टर नेवर स्पोक टू द हेडमास्टर, लेकिन आखिरी में वीक के आखिरी में क्या होता है कि डॉक्टर जो है वो उससे बात नहीं कर पाता है हेडमास्टर से, जिसके परिणाम स्वरूप द हेडमास्टर थ्रिएटन्स टू चैन टू कैन स्वामी। अब जो हेडमास्टर होता है वो स्वामी को मना कर देता है, बट स्वामी थ्रोज द कैन अब आउट द विंडो, लेकिन वो जो कैन लेके उसको डराता है वो हेडमास्टर कि भैया तू जाएगा नहीं, तो वो कैन जो है वो उसके ऊपर वापस से फेंक देता है आउट द विंडो एंड रन्स अवे, और वहाँ से मतलब खिड़की के बाहर फेंक देता है और वहाँ से भाग जाता है। स्वामी फियर्स, स्वामी डरता है दैट हिज फादर विल बी टू एंग्री, कि उसके पिताजी बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाएंगे टू लेट हिम लीव, कि उसने एट होम विदाउट अटेंडिंग स्कूल, कि तुमने जो है बिना स्कूल अटेंड करे तुम आ गए, तुमने तुम घर से तो निकले थे,
है ना, तो इस तरीके से वो थोड़ा सा नाराज हो जाता है और वो क्या कर देता है, ही डिसाइड टू रन अवे, वो डिसाइड करता है कि मैं अब यहाँ से भाग जाऊँगा। ही गोज़ टू मिशन स्कूल, वो अब क्या करता है, वो उसके पुराने स्कूल मिशन स्कूल जाता है, एंड आफ्टर रिमिनिशिंग अबाउट हाउ मच ही लव्ड बींग अ स्टूडेंट देयर, और वहाँ पर ये बताने जाता है कि मैं कितना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि उसको ऐसा फील होता है। ही फाइंड राजन टू से गुड बाय, और वो राजम को गुड बाय कहने के लिए जाता है। हवे और राजम कन्विंस स्वामी टू रन अवे ओनली ब्रीफली बिफोर पार्टिसिपिंग इन द मैच एंड देम लिविंग फॉर गुड। अब राजम कन्विंस करता है स्वामी को कि टू रन अवे, कि तू भाई यहाँ से जा, ओनली ब्रीफली बिफोर पार्टिसिपिंग, कि तू इसमें पार्टिसिपेट मत कर इन द मैच एंड देन लिविंग फॉर गुड, और वो उसके बोलता है कि तू अच्छा होगा कि यहाँ से चला जाए, ऐसा वो उसको बोलता है। द नरेटर पर्सिप्टिव स्विच टू स्वामीज फादर, अब नरेटर जो होता है वो यहाँ से अब बात आती है स्वामी के फादर के ऊपर कि अब स्वामी के फादर क्या कहेंगे। हु वेंडर्स द टाउन अलोन लेट एट नाइट, है ना, जो वहाँ से लेट एट नाइट वो वहाँ से निकल जाता है, कौन, स्वामी, लुकिंग फॉर स्वामी, मतलब उसके पिताजी निकल जाते हैं स्वामी को देखने के लिए, क्योंकि स्वामी वहाँ मिलता नहीं है। स्वामी इज़ नॉट बीन सीन फॉर आवर्स, क्योंकि स्वामी को बहुत समय तक नहीं देखा गया था। एंड हिज मदर एंड ग्रैंड मदर आर सीक विथ वरी, और वो उसकी जो मदर थी और ग्रैंड मदर थी दोनों बीमार भी थी और वो दोनों वरी थी। विथ हिज फादर ग्रोविंग एनेक्सियस एज वेल, उसके पिताजी जो थे वो भी एनेक्सियस थे, वो भी गुस्सा थे। आफ्टर लुकिंग एवरीवेयर एल्स ही कैन थिंक ऑफ स्वामीज फादर केयरफुली पियर्स इन टू द सरायो टू सी इफ स्वामी हैज़ ड्रॉन, और फिर उसके पिताजी को लगा कि यार ऐसा तो नहीं हुआ कि वो जो स्वामी है वो जो है सरयू नदी के पास गया हो और कभी वहाँ डूब गया हो। नॉट फाइंडिंग हिम ही कंटिन्यूज टू वॉक अलॉन्ग द रेल लाइन, अब जब वो वहाँ पर नहीं मिला मान लो तो उसके पिताजी रेल लाइन की तरफ निकल गए। देखिए स्टोरी तो बहुत बड़ी है, लेकिन अपन इसलिए पढ़ रहे हैं कि एग्ज़ाम में अगर कुछ भी लाइन इसमें से आ गई और पूछ लिया कि ये वाला पैराग्राफ कौन सी नोवेल का है, तो कम से कम हम जवाब दे पाएंगे, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमको डॉक्टर का नाम याद रखना है और दोस्तों का नाम याद रखना है। द नरेटर रिटर्न टू स्वामी, अब वापस से हम स्वामी पे आ जाते हैं। हु इज़ वेंडरिंग ऑन अ क्वाइट रोड, जो घूमता फिरता है एक क्वाइट रोड पे, अकेले रोड पे, फार फॉर फ्रॉम होम, घर से कहीं दूर। ही रिफ्लेक्टेड दैट ही वॉज फुलिश टू लीव अदर सच ए ट्रेवल प्रॉब्लम एंड विशेज टू बी बैक होम विथ हिज फैमिली, और उसको लगता है कि यार मैं पागल हूँ जो इस तरीके से घूमता फिर रहा हूँ, इसके बजाय तो मैं घर चला जाता हूँ और मेरी फैमिली के पास में, है ना। ही डिसाइडेड टू रिटर्न होम बट अनविटिंगली गोज द रॉन्ग वे, लेकिन वो घर चाहता है कि मैं घर जाऊँ, लेकिन वो गलती से जो है गलत रास्ते पे चला जाता है। बिकमिंग मोर एंड मोर लॉस्ट, और ज़्यादा घूम जाता है। अनटिल ही एट द लास्ट बिगिंस टू हेलुसिनेट इन डिस्पेयर, और उसके बाद में वो पता है हेलुसिनेशन में चला जाता है, मतलब कि भ्रम हो जाता है उसको, वो कहीं और ही निकल जाता है। थिंकिंग दैट ही इज़ बींग अटैक्ड बाय एनिमल, और उसको ऐसा लगता है कि अब मेरे ऊपर कोई जानवर अटैक कर देगा, और ही फॉल्स अनकॉन्शियस, और उसके बाद में वो गिर जाता है आफ्टर अ फैंटेसी ऑफ विनिंग द क्रिकेट मैच, और वो उसे क्रिकेट का ख्याल दिमाग में रहता है और कहीं पे रहता है कि मेरे ऊपर जानवर अटैक कर देगा, और इस टाइप के दिमाग में उसके चलते रहते हैं ख्याल, और वो जो है वो अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले मॉर्निंग क्या होता है कि अ कार्ट मैन, एक गाड़ी वाला आता है उधर से, नेम रंगा, जिसका नाम रंगा होता है, फाइंड स्वामी, वो स्वामी को ढूंढता है इन द रोड पर एंड टेक्स हिम टू द डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिस, और उसके बाद वो क्या करता है कि डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिस के पास में उसे ऑफिसर के पास उसे ले जाता है। वेर एन ऑफिसर नेम मिस्टर नेयर, अब ये सब नाम याद रखना, आप कहीं लिख लेना कॉपी में। अब ऑफिसर जो होता है उसका नाम होता है नेयर, हेल्प स्वामी, और वो स्वामी की मदद करते हैं फिगर आउट हु इज़ एंड वेर ही इज़ फ्रॉम, और वो देखते हैं कि ये लड़का कौन है, इसके पिताजी कौन है, वो ढूंढने की कोशिश करता है। और बहुत ही जल्दी सून स्वामीज फादर टेक्स हिम होम विद द असिस्टेंस ऑफ राजम्स फादर, और स्वामी के जो पिताजी होते हैं वो उसको घर ले जाते हैं विद द असिस्टेंट ऑफ राजम्स फादर, वेर ही इज़ कंटेंट टू सेलिब्रेट अमंग हिज फैमिली, और जहाँ पे वो उसकी फैमिली से मिलता है। अनटिल मनी अराइव्स एंड इन्फॉर्म्स हिम, और फिर मनी उसके घर आता है, वो बोलता है कि ही हैज़ मिस द क्रिकेट मैच, कि अरे यार तूने क्रिकेट मैच मिस कर दिया, हैविंग दो द मैच वॉज द नेक्स्ट डे, मैच जो है वो अगले दिन था। एंड स्वामी इज़ डिवास्टेटेड, स्वामी जो होता है वो थोड़ा सा डिवास्टेटेड हो जाता है। व्हेन मनी ऑल्सो सेज दैट राजम इज़ फ्यूरियस, जब उसको बोलता है वो कि राजम जो है वो तुझसे गुस्सा है, और स्वामी रिवॉल्व्स टू स्पीक विद राजम द नेक्स्ट डे एंड द रिपेयर देयर फ्रेंडशिप, और स्वामी चाहता है कि मैं अगले दिन जाके राजम से मिलूं और फिर जो है अपनी फ्रेंडशिप को वापस से कंटिन्यू करूँ। 10 days later, 10 दिन के बाद, स्वामी स्टिल हैज़ नॉट स्पोकन विद राजम, स्वामी जो होता है वो राजम से बातचीत नहीं करता है ड्यू टू फियर, डर के मारे ऑफ हिज रिएक्शन, कि उसका रिएक्शन कैसा होगा। हाउएवर ही हैज़ लर्न दैट राजम्स फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड एंड द फैमिली इज़ अबाउट टू मूव अवे, और वो जब वो सुनता है कि राजम के पिताजी का ट्रांसफर हो गया है, उसकी फैमिली कहीं बाहर जा रही, तो स्वामी सर्च हिज
पजेशंस फॉर अ गोइंग अवे पेरेंट्स प्रेजेंट फ्रॉम फोर राजम। अब स्वामी जो होता है वो उसको ढूंढने निकल जाता है, ठीक है, हिज पजेशंस फॉर अ गोइंग अवे, जब वो जाते हैं तो वो निकल जाता है उसको ढूंढने के लिए कि कभी वो मिल जाए, सेटिंग ऑन अ बुक ऑफ फेरी टेल्स एंड रिसॉल्व्स टू गो टू द ट्रेन, और वो ट्रेन की तरफ वहाँ से जाता है इन द मॉर्निंग टू गिव इट टू राजम, राजम से मिलने के लिए। स्वामी गोज टू द स्टेशन, स्वामी स्टेशन जाता है बट इज़ अगेन टू इमीडिएट टू टॉक टू राजम, बट इज़ अगेन वो कहीं के लिए जाता है, उसके एक बार और मैं राजम से जो है बात कर लूँ, हु गेट्स ऑन द ट्रेन विदाउट सेइंग गुड बाय, लेकिन वो उससे मिलता तो है लेकिन होता क्या है कि स्वामी और राजन दोनों एक दूसरे को बस वो उसको देख लेता है, लेकिन हु गेट्स ऑन द ट्रेन विदाउट सेइंग गुड बाय, और वो उससे विदाउट गुड बाय कहे वो निकल जाता है। पैनिकिंग स्वामी आस्क मनी फॉर हेल्प, अब वो जो पैनिक हो जाता है थोड़ा सा स्वामी और वो मनी को हेल्प के लिए बोलता है, एंड द टू बॉयज़ रन अलॉन्ग साइड द ट्रेन फाइनली गिविंग राजम द बुक, और वो जो बुक होती है जिसका नाम होता है फेरी टेल्स, ये बुक का नाम भी आप याद रखना कि एक बुक उसके पास होती है स्वामी के पास जो वो राजन को देने जाता है, तो राजम जो है वो थोड़ा सा उस मदद करता है, तो टू बॉयज़ रन अलॉन्ग साइड द ट्रेन वो ट्रेन की तरफ दौड़ के जाते हैं, फाइनली गिविंग राजम द बुक, और राजम को बुक दे देते हैं। राजम सीम्स टू से समथिंग टू स्वामी बट हिज वर्ड्स आर लॉस्ट अंडर द नॉइस ऑफ द ट्रेन, अब राजम वहाँ से ज़ोर से चिल्लाता है और वो स्वामी को कुछ कहना चाहता है बट उसके वर्ड्स जो होते हैं वो लॉस्ट अंडर द नॉइस ऑफ द ट्रेन, वो ट्रेन जो इतना तो वहाँ पे भीड़ रहता है तो उसके वर्ड्स जो है वो उसे सुनाई नहीं देते हैं। मनी टेल्स स्वामी, और मनी स्वामी को कहता है कि दैट राजम हैज़ हिज एड्रेस एंड विल राइट, कि राजम ने जो है उसका एड्रेस दिया है और लिखवाए, बट स्वामी इज़ अनश्योर इफ मनी इज़ टेलिंग द ट्रूथ, लेकिन स्वामी जो है वो श्योर नहीं था, उसे लगता था कि शायद मनी इज़ टेलिंग द ट्रूथ, मनी जो है वो सही बोल रहा है, ऐसा कुछ उसे श्योर नहीं था। तो इस प्रकार की स्टोरी है, देखो तो इसमें आपको कुछ वर्ड्स जो ये खास खास करके मैंने ये कर रखे हैं ये आपको याद रखना है, ठीक है, और बाकी के ऑलमोस्ट आपकी पढ़ाई तो अच्छी हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये स्टोरी आपने पढ़ ली होगी, वैसे एक बार पढ़ना काफ़ी था इसको, आप ये नाम नोट कर लेना, इसकी डेट पब्लिश कब हुई थी, लिखी कब गई थी, ये सब एक बार लिख लेना, और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।